ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे आराध्य देवादि देव शनिदेव हैं भाई, और उनकी शरणागत रहता और कर्म फल दाता है। अपने कर्मों में विश्वास करो, अपने कर्मों में शुद्धता रखो, माँ बाप की सेवा, आचरण अच्छा और राष्ट्र प्रेम, सारे काम बनेंगे। बहुत से मित्रों ने कहा कि हमारा जीवन बाधाओं से घिर गया, प्रयासों के बावजूद भी जीवन के इस मकर जाल से बाहर नहीं आ पा रहे, और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा आ रहा है, कारोबार में घाटा हो रहा है, बार बार नौकरी छूट रही, कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, रोग पीछा नहीं छोड़ा, शत्रु परेशान कर रहा है। बहुत अद्भुत और शास्त्रोक्त उपाय है, सिद्धों की दुनिया का ही अद्भुत उपाय है भाई। किसी भी सोमवार के दिन प्रदोष काल में, यानी शाम 7:15 सूर्यास्त से थोड़ी देर बाद, धतूरे के पत्ते, फल या पुष्प को पीले चंदन में भिगोकर भगवान शिव के शिवलिंग पर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। किसी भी प्रदोष व्रत के दिन, चाहे वो सोम प्रदोष हो, चाहे भूम प्रदोष हो, चाहे बुध प्रदोष हो, किसी भी प्रदोष व्रत के दिन अभीर और गंगा जल में, अभीर को गंगा जल में घोल दीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, और धतूरे के फल को भिगोकर शिव गायत्री का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा, बीमारियों से पीछा छूट जाएगा, रोगों से पीछा छूट जाएगा। माँ शिवरात्रि के दिन धतूरे के फल को हल्दी में भिगोकर सराक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो कैरियर, कारोबार और नौकरी संबंधी परेशान से छुटकारा मिलता है। यह अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं जाएगा। थोड़ा सा मुस्कराइए। ओम शाम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण।